हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब भाई हमारे पास रिज्यूम करते हैं टॉपिक लॉज ऑफ मोशन का। अब नेक्स्ट जो अब हमारे पास कनेक्टेड मोशन के बाद जो आता है टर्म, वो क्या बताया भाई? इंपल्स। क्या बताया? इंपल्स। इंपल्स क्या बताया भाई? इंपल्स का मतलब है, अगर मैं बताऊं आपको, कि दिस इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। किसका इफेक्ट है? फोर्स का। इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये किसका इफेक्ट है? टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जिसको मैंने नाम दिया इंपल्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं इसको समझाना चाहूं, तो या अगर इसको दूसरे टर्म में बोल सकता हूं कि इट इज आल्सो द चेंज इन मोमेंटम। इसको दूसरे टर्म में क्या बता सकता हूं? ये है चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम तो आप सभी को पता ही है, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? पी से डिनोट करता हूं, दैट इज एम वी, जो कि होता है मास इनटू में वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। अब हमें पता है भाई टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बताना है कि इंपल्स क्या बताया। अब मैं मान के चलता हूं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग में क्या बताया न्यूटन का सेकंड लॉ? क्या बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। यही बताया, दैट इज मेरे पास बताया गया कि फोर्स इज इक्वल टू में डी पी अपॉन में डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया। अब इस डी टी को इधर ले आओ, दैट मीन्स एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू में डी पी। अब इसको इंटीग्रेट करता हूं भाई किसके रिस्पेक्ट में? यहां पे तो करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहां पे करता हूं मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट किया, दैट इज एफ डी टी, यहां से मैंने टाइम लिया जीरो से टी। मान लेता हूं कि मेरे पास जो मैंने स्टार्ट किया वो कहां से किया? जीरो से लेके टी से। अब मान लेता हूं यहां पे लिमिट जो मेरे पास है टी टेंस टू जीरो, वो मेरे पास टी क्या है? टेंस टू जीरो। इज इक्वल टू में यहां पे इंटीग्रेट किया, दैट इज डी पी पी वन से भी कहां तक? पी टू तक, मतलब इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या समझे? कि ये मैं बोल दूं कि P2 माइनस में P1 इज इक्वल टू में डेल P, ये आपके पास क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो अब यहां से अगर मैं इसको आगे करूं तो दैट इज ये मेरे पास फोर्स तो बाहर आ गया, यहां पे ये बचा dt 0 टू t, मतलब यहां से स्टार्ट किया, दिस इंप्लाइज यहां पे स्टार्ट किया गया क्या? मेरे पास बचा P dp, यहाँ पे p1 से लेके p2 तक का। अगर इसको मैंने किया दैट इज f, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा? t माइनस में जीरो इज इक्वल टू में, और ये जो मेरे पास f क्या है? ये है मेरे पास एवरेज फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई? एवरेज, क्योंकि मेरे पास जो टोटल फोर्स ऑफ इफेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बोला टोटल इफेक्ट, तो मेरे पास जो टोटल फोर्स आया, जो एवरेज फोर्स आया है, इनटू में टाइम इज इक्वल टू में यहाँ पे बचा p, आपके पास बचा P1 से लेके P2 तक लिमिट का। अब यहाँ पे अगर इनको मैं वैल्यू पुट आउट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? दैट इज F एवरेज इनटू में टाइम इज इक्वल टू में यहाँ से आपके पास बचा P2 माइनस में P1। तो ये आपके पास आया इंपल्स। क्या बताया भाई? इंपल्स की मैं क्या बता रहा हूँ कि चेंज इन मोमेंटम ही को क्या नाम दिया गया? इंपल्स। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट आपके पास क्या हुई? एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो एसआई यूनिट आपके पास हुई मोमेंटम की। एसआई यूनिट क्या होती है? मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। तो मास का मैं क्या लिख सकता हूं? मास को लिखता हूं क्या? किलोग्राम, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। या फिर दूसरी टर्म में अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या लिख सकता हूं? फोर्स इनटू में टाइम। तो फोर्स आपके पास न्यूटन होता है, टाइम होता है सेकंड, दैट इज न्यूटन सेकंड। तो ये आपके पास बताया, दैट इज द इंपल्स। क्लियर? अब आपके पास एक इंपल्स और मोमेंटम थ्योरम के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? इंपल्स और मोमेंटम थ्योरम के बारे में बताया गया। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इसमें आपके पास क्या बताया भाई? इसमें ये बताया गया आपके पास क्या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में, कि मान लो मैंने कोई फोर्स एग्जर्ट किया है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मैंने क्या कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर कोई फोर्स एग्जर्ट किया है, फोर्स एग्जर्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स एग्जर्ट किया है विद स्मॉलर टाइम, अगर आपने उसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए अगर आपने क्या किया है, कोई फोर्स एग्जर्ट किया है, मतलब लार्ज फोर्स, अगर मैं यहां से नाम दूसरा नाम दूं कि लार्जर फोर्स आपने किया एग्जर्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर टाइम, या फिर मैं कहूं कि स्मॉलर फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन लार्ज टाइम,
और किसमें लास्ट टाइम में आपने स्मॉलर फोर्स को किया, देन दिस थ्योरम इज नोन एज क्या बताएगा भाई, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बताएगा भाई, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि जो कराटे प्लेयर होते हैं वो ब्रिक्स को इजीली तोड़ देते हैं, किसके कारण, वो कारण यही होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो वहां पे अपना टाइम को डिक्रीज कर देते हैं और फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो ये रीजन होता है। इसी के बेसिस पे अगर मैं और न्यूमेरिकल्स आपके पास बताऊं तो क्या होता है भाई, अगर कोई आपने देखा होगा फील्डर होता है, अगर बैट्समैन ने कोई बॉल स्टिक की वहां से बॉल हवा में उठ गई, अब कोई बैट अगर मैं किसी भी उसकी बात करूं प्लेयर की, अगर वो बॉल को कैच करता है तो कैच करने के लिए क्या पोजीशन करता है, ये तो है नहीं कि यहाँ पे ऐसे आकर के खड़ा होगा, अब वो बॉल के साथ अपने टाइम को बढ़ाता है, मतलब उसके फोर्स को कम करता है और टाइम को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बॉल इजीली उसके पास कैच हो जाती है। या फिर दूसरे टाइम में अगर मैं बात करूं कि कराटे प्लेयर होता है वो जैसे ही अपने मतलब क्या करता है, उसे ब्रिक को तोड़ता है तो अपने क्या करता है, वहां पे आपके पास फोर्स को बढ़ा देता है और टाइम को इंक्रीज कर देता है। तो यही चीज जो मेरे पास बताई गई दैट इज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब मेरे पास आता है न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ आपने आप सभी को पता ही है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताया कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर मैं नाम दूं दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए, इक्वल एंड अपोजिट, अगर मैं किसी भी वाल को पुश कर रहा हूं तो उतना ही फोर्स वो वाल मेरे पर लगा रही है और वाल पे मैं लगा रहा हूं, दैट मींस अगर मैं इसका मतलब मैं यहां पे डिजर्व करूं दैट एफ ए बी प्लस में एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब जो मेरे पास जो फोर्स होगा वो कंजर्व्ड होगा दैट इज जीरो। अब इसी को अगर प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं भाई, मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट भी मैंने अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, अब यहां से क्या करूं, यहां से अब इन दोनों को कोलाइड के लिए मैं अभी कुछ टाइम तक वेट करता हूं कि दोनों क्या कर जाएं, दोनों कोलाइड कर जाएं, कोलाइड कर जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, कोलाइड अगर करेंगी तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो इससे क्या होगा, उससे उनका मोमेंटम भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू में वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। मान लिया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे P1 मोमेंटम था और सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या था P2 मोमेंटम। अब यहां से अगर मैं कहूं कि लिमिट की वैल्यू पुट करूं, जो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम हुआ है, बट चेंज इन मोमेंटम जो मेरे पास आ रहा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर मैं कर दूं कुछ टाइम के लिए, दैट इज dP1 अपॉन में dt प्लस में, क्योंकि मेरे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या होता है कि आपके पास सम ऑफ द इनिशियल प्लस में सम ऑफ द फाइनल इज इक्वल टू में जीरो। कहने का मतलब अगर मैं यहां से लिखूं दैट इज P1 प्लस में P2 इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, दैट इज dP1 अपॉन में dt इज इक्वल टू में प्लस में dP2 अपॉन में dt इज इक्वल टू में जीरो। तो dP1 अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस का dP2 अपॉन में dt, ये मेरे पास dp रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं फोर्स आता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने मान लिया दैट a से b के लिए इज इक्वल टू में, ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फिर से फोर्स होता है, बट ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए है तो मैंने मान लिया दैट इज FBA। तो यही आपके पास क्या है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ के फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, आपने किसी बॉल को किसी वॉल पे आपने फेंका तो फेंकने के बाद आपके हाथों में वापस आ जाती है, दिस इज ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ, कि आपके पास जो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हुआ है, क्लियर है, तो ये आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिस पे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताया गया जिसको नाम दिया गया भाई हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, कि मेरे पास हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, कैसे कि आपके पास जो हॉर्स है या फिर कोई भी मैन ऑफ वॉकिंग है वो कैसे करता है, तो आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, क्योंकि मैन ऑफ वॉकिंग करेगा तो आपके पास क्या करेगा कि जैसे वो चलेगा तो बैकवर्ड में क्या करेगा, आपका जैसे ही आपका जो टो होता है जो पंजा होता है वो क्या करेगा, जैसे आपने उठाया तो धरती को पीछे धकेलते हो, कहने का मतलब जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, उसी वजह से आप क्या करते हो आगे की तरफ जा रहे हो। या फिर स्विमिंग होती है आप क्या करते हो हाथों को इस तरफ मारते हो बैकवर्ड पोजिशन में तो आपकी मूवमेंट बॉडी की आगे जाती है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। अब हॉर्स एंड कार्ट का बताया, सपोज करता हूं भाई कि कोई भी एक कार्ट लेता हूं, सपोज कर लिया ये कोई कार्ट लिया भाई, जिसको भाई छकड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, वो ये आपके पास कोई क्या है ग्राउंड,
क्लियर है। अब यहां से क्या करता हूं भाई, ये मान लिया मैंने, ये मेरे पास सी नाम दे देता हूं कि कोई भी कार्ट है। अब कार्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है जिसको मैंने नाम दे दिया आर। क्लियर है, जिसको मैंने नाम दे दिया भाई आर वन नाम मान लेते हैं। अब हॉर्स कार्ट है कार्ट के ऊपर, अब इस कार्ट का कुछ वेट भी है तो वेट तो कहां लगाएगा, वेट तो लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको मैंने नाम दे दिया डब्लू वन। अब ये कार्ट भाई क्या किया, कनेक्टेड है किसके साथ में, हॉर्स के साथ में। ये मान लिया आपके पास क्या है, हॉर्स। अब ये कार्ट है क्योंकि मेरे पास जो कार्ट होता है वो हॉर्स से कनेक्ट होगा तभी तो आगे चलेगा। अब ये हॉर्स से कनेक्ट है, अब हॉर्स से कनेक्ट होगा, अब हॉर्स का भी कुछ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो अपवर्ड पोजीशन में खड़ा होता है जिसको मैंने आर टू मान लिया, और जो मेरे पास इसका जो वेट एग्जर्ट हो रहा है वो मैंने मान लिया डब्ल्यू टू। कहने का मतलब ये मेरे पास एम जी वन और ये आपके पास क्या है एम जी टू। ठीक है, अब ये मेरे पास चल कैसे रही होगी, अब इस कार्ट, अब जब ये घोड़ा है ये इस कार्ट को खींचेगा तो मान लिया एक जो फोर्स, जो कार्ट का जो घोड़े ने जो फोर्स लगाया है वो मान लिया मैं टेंशन वन मान रहा हूं। इस टेंशन वन, टेंशन का मतलब भी फोर्स होता है भी। क्लियर है, अब ये एक टी वन फोर्स लगाया इसने, जो मेरे पास कार्ट है वो हॉर्स, जो हॉर्स है वो खींच के ले जा रहा है कार्ट को, तो ये टी वन। बट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, अब ये टी टू। कहने का मतलब वो कार्ट अपनी तरफ भी खींचेगा उस फोर्स को, क्योंकि अगर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है तो भाई अगर आगे ऑब्जेक्ट और बढ़ेगी नहीं, तो कहने का मतलब टी वन हुआ और टी टू, और बट दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ होगा कि फोर्स है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब नेट जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या आना है जीरो। ठीक है, अब यहां हॉर्स के, जब हॉर्स चलेगा तो क्या करेगा, एक बैकवर्ड पोजीशन में। कहने का मतलब अगर मैं बताऊं कि भाई आपके पास क्या करेगा, एक रिजल्टेंट मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मान लेता हूं और इसी के साथ में ये घोड़ा आया, इसने फोर्स लगाया एफ डैश मान लिया, इसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश। कहने का मतलब कि जो हॉर्स ने क्या किया है, जो फोर्स एग्जर्ट किया है, क्योंकि भाई चलना है तो ग्राउंड के ऊपर चलेगा, तो जब पैरों को चलाएगा तभी तो कार्ट आगे चलेगा, तो जब ये चला तो मान लिया कोई एंगल के साथ चल रहा है, थीटा एंगल के साथ। क्लियर है, अब यहां से जब मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आर के साथ में साइन थीटा और इसके साथ में आर कोस थीटा। क्लियर है भाई, मेरे पास r sin थीटा, r cos थीटा इसके साथ में, क्योंकि एंगल आपके पास क्या बना है थीटा, ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे पास r is equal to में f dash के बराबर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स रहेगा वो आपने जो घोड़े पे फोर्स लगाया है चलने के लिए उसके लिए बराबर रहेगा। अब जब चला है, अब इसी के साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि भाई अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। अब घोड़ा अगर आगे चल रहा है तो उसी के हिसाब से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या देगी, फ्रिक्शन फोर्स देगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं भाई क्या एफ से। अब यहाँ पे देखते हैं, अब वो घोड़ा मतलब ये हॉर्स एंड कार्ट आगे कैसे बढ़ेगा। अब भाई अगर r sin थीटा के साथ में तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया वेट के साथ में, क्योंकि ये तो मेरे पास जीरो हो गया समेशन। अगर r sin थीटा लूंगा तो यहां से मेरे पास घोड़ा तो वर्कआउट नहीं किया, बट अगर r cos थीटा लेता हूं, ये जो कि मेरे पास मूवमेंट दे रहा है, कहने का मतलब r cos थीटा अगर बड़ा हो जाए इससे, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने एफ माना है अगर इससे बड़ा हो गया तो आपके पास घोड़ा वर्कआउट करेगा, मतलब मूव आगे करेगा। अगर आपने कंडीशन ले ली क्या कि फोर्स आपके पास छोटा हो गया किससे, कहने का मतलब फोर्स बड़ा हो गया आर कोस थीटा, कहने का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ा कर दिया और आर कोस थीटा जो आपके पास जो मूवमेंट कर रहा था वो आपने छोटा कर दिया तो घोड़ा चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आपके पास मान लो आपने कोई लोडेड चीज कर दी, अब यहाँ पे कार्ट जो हॉर्स है वो आपको आपके पास खींच नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि आपके उसके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जितना मास डालूंगा फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो उसी हिसाब से वो फ्रिक्शन बढ़ गया, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो मेरे पास यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा। बट जो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम ये है, दैट इज आर कोस थीटा आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, दैट इज द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। और इसके बेसिस पे भाई न्यूमेरिकल मैकेनिक्स का मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ में आता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, ये आपके पास फोर्स लगाया इक्वल एंड अपोजिट किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, यहीं से आपके पास इक्वल एंड अपोजिट, जो आपके मैं टेंशन की बात करूं टी1 और टी2 आपस में बराबर क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे, तो ये आपके पास जो मूवमेंट किया था हॉर्स एंड कार्ट ने, आपके पास ये लॉज ऑफ मोशन का न्यूटन का थर्ड लॉ के बेसिस पे आता है। ठीक है भाई, क्लियर, थैंक यू।